गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, माई सेल्फ जनसारी किशोर। टुडे आई विल टीच इन स्टैंडर्ड 10 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 12। नेम ऑफ द चैप्टर एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। इन अ लास्ट लेक्चर आई हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 12.2। नाउ इन दिस लेक्चर आई विल एक्सप्लेन यू एक्सरसाइज नंबर 12.3। But before that, let's see the basic concepts. So 12.4, area of the combination of plane figure. So far, we have calculated the area of different figures and separately. Now we will try to calculate the area of some combination to plane figures like squares, rectangles, sectors, segments, and circle, semicircle, triangle, etc. So let's see the exercise number 12.3. okay, the same condition के पाई की वैल्यू अगर बोली है तभी हमें 3.14 लेने, अदरवाइज एवरीवेयर यू टू यूज 22/7। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ये जो शेडेड रीजन है इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। इन द गिवन फिगर इफ पी क्यू की वैल्यू 14 है, PR कितना है 7 है, ओके, एंड O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो हियर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल हेंस RQ इज द डायमीटर एंड एंगल RPQ is inscribed a semicircle। okay, ये जो P है RPQ is inscribed an semicircle। तो angle RPQ, P की वैल्यू कितनी है 90। okay, P की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 हो जाएगी। इन ट्राइंगल RPQ हमारा RPQ हुआ, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके RQ फाइंड आउट करेंगे, तो RQ इज PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर, तो हमें मिलेगा 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, तो 576 प्लस 49 625 अंडर रूट में, तो दैट मीन्स RQ मिला 25। नाउ डायमीटर ऑफ द सर्कल 25 सेंटीमीटर हो गया, रेडियस कितना होगा 25/2। ओके, सो ट्राइंगल RPQ पी है 90, एरिया फाइंड आउट का एरिया 1/2 मल्टीप्लाई PQ मल्टीप्लाई PR, 1/2 24 मल्टीप्लाई 7, तो इसका एरिया मिला हमें 84। ओके, अभी शेडेड रीजन का, तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करेगा, सेमी सर्कल का फाइंड आउट करके ये माइनस कर देंगे, तो इसका हमें एरिया मिल जाएगा। नाउ एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, दैट मीन्स एरिया ऑफ द सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल RPQ, तो 1/2 πr² माइनस 84, तो 1/2 π की वैल्यू 22/7, R मिला 25/2 माइनस 84, तो 6875/28 माइनस 84। ओके, तो उसको सॉल्यूशन करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 4523/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें किसका मिला, ये जो शेडेड रीजन है उसका एरिया मिला। थस द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज 4523/28। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट वन, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। यहाँ पर भी ये शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। ओके, इन द गिवन फिगर इफ रेडियस ऑफ द टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल विद द सेंटर O 7 and 14, हमें दोनों का क्या दे दिया है, रेडियस दे दिया है कि जो छोटा सर्कल है उसका 7 है, ये जो बड़ा सर्कल है उसकी रेडियस है 14, इसकी रेडियस 7, इसकी रेडियस है 14। ओके, नाउ एंगल भी दे दिया है कि एंगल AOC वो दे दिया है 40। फॉर द सेक्टर, हमारा एक सेक्टर हो जाएगा पूरा, तो सेक्टर AOC रेडियस 14 है, रेडियस क्या है 14, और
जो थीटा है वो कितना है 40, तो एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर, तो एरिया ऑफ द सेक्टर देखेंगे तो ओ ए सी थीटा डिवाइड 360 पाई आर स्क्वायर, तो 40 डिवाइड 360, पाई की वैल्यू पाई रखी यहाँ पर और आर की वैल्यू है 40 मल्टीप्लाई 14, तो 196/9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी हमें क्या फाइंड आउट, तो सेक्टर ओ बी डी का सेक्टर फाइंड आउट करना है। ओके, क्योंकि ये फाइंड आउट करने से हमें ये जो आगे हमने किया ए ओ सी में से अगर ये माइनस कर देंगे तो हमें ये शेडेड एरिया का एरिया मिल जाएगा, शेडेड जो पार्ट है उसका एरिया मिल जाएगा। नाउ एरिया ऑफ सेक्टर ओ बी डी थीटा डिवाइड 360 पाई आर स्क्वायर, 40/360 पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू पाई, आर की वैल्यू है 7 7 मल्टीप्लाई 7, तो हमें मिला 49/9 पाई और सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन का, तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी और एरिया ऑफ द सेक्टर ओ बी डी माइनस कर दो, पाई पाई कट हो जाएगा। ओके, यानी कॉमन निकाल दिया तो पाई वेल कॉमन निकाल दिया तो क्या होगा, 22/7 मल्टीप्लाई इन दोनों को माइनस किया तो 147/9, तो दैट मीन्स 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, थस द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो इस तरह से इसका आंसर आ गया। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट सम, जो नेक्स्ट सम है तो नेक्स्ट में दिया है हमें कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, यहाँ पर भी ये शेडेड रीजन है, यानी ये जो सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल को निकालने के बाद जो एरिया है वो हमें फाइंड आउट करने, दो सेमी सर्कल निकाल दिए हैं, टोटल हमें ये एक स्क्वेयर जैसा दिया है। ओके, स्क्वेयर कितना है 14 14 का दिया है। ओके, तो यहाँ से ये जो 14 14 है तो यहाँ से ये 17, यानी रेडियस कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो हमें दो सेमी सर्कल निकालने के बाद जो बाकी बचता है उसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो पूरा जो ये स्क्वेयर है उसका एरिया निकालो, उसमें से दो सेमी सर्कल का एरिया क्या करो, माइनस कर दो, तो आपको दो सेमी सर्कल या वन क्या होता है कि पूरा एक सर्कल का एरिया माइनस करोगे तो उसके बाद जो बचेगा वो हमें ये शेडेड जो एरिया है उसका एरिया मिल जाएगा। सी ए बी सी इज अ स्क्वेयर विद द ईच साइड मेजरिंग 14, ये 14 14 का पूरा एक स्क्वेयर दिया है। नाउ एरिया ऑफ द स्क्वेयर क्या होगा, तो साइड स्क्वेयर इन 14 मल्टीप्लाई 14, तो 196 सेंटीमीटर स्क्वेयर, ये पूरा किसका हुआ, स्क्वेयर का हुआ। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल, तो पहले फॉर टू सेमी सर्कल ड्रोन ए डी एंड बी सी एज अ डायमीटर, रेडियस ऑफ दिस सेमी सर्कल कितना होगा, ए डी बाई टू, यानी 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर हुआ। नाउ टोटल एरिया ऑफ टू इक्वल सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल यानी 1/2 पाई आर स्क्वायर, और इसको 2 है तो आगे 2 कर दो। ओके, यानी 2 2 कट हो जाए, इन शॉर्ट 1 सर्कल का ही है तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर का 22/7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, तो 154। तो नाउ एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, तो एरिया ऑफ द स्क्वायर ए बी सी डी माइनस टोटल एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल, दैट मीन्स 196 माइनस 154, तो हमें जो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर मिला, दैट इज द एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट वन, यहाँ पर आपको दिया है एक ट्राइंगल है और एक सर्कल है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन ऑफ द गिवन फिगर। ओके, वेयर अ सर्क्यूलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, सर्क्यूलर जो आर्क है ओके वो 6 सेंटीमीटर, यानी रेडियस 6 सेंटीमीटर का एक सर्कल है। ओके, यानी यहाँ से ये 6 से तक तो यहाँ पर आ जाएगा, और फिर हमें बाकी जो है पार्ट उसका क्या करना है, माइनस करना है। ओके, तो ये इन शॉर्ट हमें ये ट्राइंगल और सर्कल का पूरा हम पहले क्या करेंगे, एरिया फाइंड आउट करेंगे। एरिया फाइंड आउट करने के बाद ये जो है माइनोर सेक्टर उसमें से माइनस करेंगे तो पूरे का हमें एरिया मिल जाएगा। ओके, नाउ सी द फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन ऑफ द गिवन फिगर वेयर अ सर्कुलर आर्क रेडियस 6 सेंटीमीटर हैज बीन ड्रॉन इन द वर्टेक्स ओ ऑफ ए क्वाड्रेंटर एरिया, या ए बी की जो लेंथ है वो कितनी दी है, 12 दी है। ओके,
नाउ फॉर द इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल है देखते हैं हम इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ओके यहाँ पर इक्विलेटरल ट्राइंगल बोल दिया, यानी कि ना सब साइड ये भी 12 ये भी 12 ये भी 12, ओके तो इक्विलेटरल ट्राइंगल ओ बी ओ ए बी ए इज इक्वल टू 12, तो उसका एरिया फाइंड आउट करते हैं, एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल ओ ए बी अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर अंडर रूट 3/4 12 मल्टीप्लाई 12, तो कितना हो गया 36 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ द एरिया ऑफ द फोर्थ सर्कल सेंटर ओ है रेडियस 6 है, तो एरिया ऑफ द सर्कल कितना हो गया तो पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 6 मल्टीप्लाई 6 तो 792/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अभी दोनों का एरिया आ गया, अभी ये दोनों का एरिया में से हमें क्या करना है, ये जो माइनर सेक्टर है तो माइनर सेक्टर माइनस करना, तो उसका पहले एरिया फाइंड आउट करना चाहिए। द रीज़न विच इज़ कॉमन ऑफ द ट्राइंगल एंड द सर्कल इज माइनर सेक्टर विच रेडियस आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंगल ऑफ सेक्टर थीटा 60 दिया है बींग द एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो ट्राइंगल ओ ए बी एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर थीटा डिवाइड 360 पाई आर स्क्वायर 60/360 पाई की वैल्यू 22/7 आर इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 6 ओके तो 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन क्या होगा, तो पहले एरिया ऑफ द ट्राइंगल ओ ए बी एरिया ऑफ द सर्क्यूलर विथ सेंटर ओ और माइनस एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर, तो ये दोनों में प्लस करके माइनस कर दोगे तो 36 अंडर रूट 3 प्लस ये जो माइनस करेंगे तो 660 डिवाइड 7, ये दोनों प्लस ये माइनस किया तो ये आंसर आया। तो थस द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन अ 36 अंडर रूट 3 प्लस 660 डिवाइड 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके नाउ सी फाइंड द फिफ्थ वन फ्रॉम द ईच कॉर्नर ऑफ द स्क्वेयर साइड 4/4 क्वाड्रंट, ये चार क्वाड्रंट है ओके ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर, बीच में जो सर्कल है उसका रेडियस 1 सेंटीमीटर है ओके डायमीटर कितना है जो है इसका रेडियस 1/1 है और जो सर्कल है उसका डायमीटर 2 है, डायमीटर 2 यानी रेडियस कितना होगा 1/1 हो जाएगा ओके इट्स सो दैट the given figure find the area of the remaining portion of the square। इन शॉर्ट ये समझ लो कि ये जो है सर्कल ऐसे ही एक चार पार्ट है उसको इकट्ठा करेंगे तो दूसरा सर्कल बनेंगे, यानी दो सर्कल है, दो सर्कल कितने कितने के 1 सेंटीमीटर रेडियस के, 1 सेंटीमीटर रेडियस के दो सर्कल है ओके तो 1 सेंटीमीटर के दो रेडियस वाले सर्कल निकाल दोगे कितने टोटल, ये जो है टोटल ये हमें क्या दिया है ये एक स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर में से वो निकाल देंगे तो हमें क्या मिलेगा पूरा ये जो शेडेड पार्ट है उसका एरिया मिल जाएगा। तो स्क्वायर दिया है हमें देखो 4 स्क्वायर ए बी सी डी साइड कितनी हो जाएगी 4, यहाँ पर दे दिया है कि 4 4 4 4 तो 4 4 जा 16, तो एरिया ऑफ द स्क्वायर ए बी सी डी ए स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर यानी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी टोटल ये जो है उसका 16 हो गया। अभी 1 सेंटीमीटर रेडियस वाले दो सर्कल है ओके यहाँ पर सब अलग अलग फाइंड आउट किया था फॉर द ईच ऑफ द 4 क्वाड्रंट कट फ्रॉम ईच कॉर्नर रेडियस 1 सेंटीमीटर तो एरिया ऑफ द 4 क्वाड्रंट ओके एरिया ऑफ द 4 क्वाड्रंट 4 1/4 पाई आर स्क्वायर तो 4 4 कट यानी पाई आर स्क्वायर 22/7 यानी आंसर कितना है 22/7। ये एक हुआ, अभी जो बीच में सर्कल है उसका भी है डायमीटर 2 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 1 तो उसका भी सेम 22/7। ये दोनों है वो हमें क्या करना है 16 सेंटीमीटर से माइनस करने हैं तो 16 में से हम दोनों माइनस करेंगे एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर एरिया ऑफ द ए बी सी डी माइनस एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ द सर्कल तो 16 - 22/7 -2/22/7 तो 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर ये जो बचा दैट इज़ द रिमेनिंग एरिया दैट मीन्स ये जो शेडेड एरिया है थस द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर इज 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर ओके फ्रेंड्स। सो इस तरह से हमें हर एक का ये जितने भी सम दिए हैं वो आपको क्या करना है इसी तरह से काउंट करने, इसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के सम दिए हैं आपको अपनी तरह से ट्राई करने हैं ओके फ्रेंड्स। सो यहाँ पर ये आपका जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 12 ओके तो यहाँ पर क्या होता है कंप्लीट होता है। एक दो सम करना है तो देख लेते हैं, देखो एक सम मैं और करा देता हूँ
कि यहाँ पर दिया है इन द गिवन फिगर, ये एक फिगर दी है ओ ए सी बी, ओके ये ओ ए सी बी दिया है, ओके इज अ क्वाड्रेंट, ये फोर्थ पार्ट है सर्कल का, क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल विद द सेंटर ओ एंड रेडियस 3.5. नाउ यहाँ पर 3.5 कंप्लीट है, यहाँ पर कम है. अभी ओडी, ओडी कितना है 2, ओडी कितना है 2. फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ये एरिया क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड आउट करना है और शेडेड रीजन फाइंड आउट करना है. बहुत ही ईजी है, पहले तो एरिया फाइंड आउट बहुत ही ईजीली हो जाएगा. जैसे द फोर क्वाड्रेंट ओ ए सी बी ऑफ द सर्कल रेडियस 3.5 यानी 7/2. अभी एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ओ ए सी बी 1/4 पाई आर स्क्वायर, ओके 1/4 22/7 7/2 7/2 यानी 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये क्या हो गया एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट. अभी नाउ सिंस ओ ए सी बी इज अ क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल, नाउ क्वाड्रेंट है सर्कल का यानी ये हमको दे दिया है कि भाई ये क्या एक स्क्वायर का ही पार्ट है. दैट मीन्स जो एंगल बनेगा वो 90 का बनेगा. ए बी ओ ए और बी ओ डी इज 90, ओके ओ की वैल्यू कितनी है 90. नाउ ट्राइंगल बी ओ डी जिसमें ओ क्या है 90 है, तो एरिया ऑफ बी ओ डी 1/2 बी ओ मल्टीप्लाई ओ डी, तो 1/2 7/2 और ये कितना है 2, ट्राइंगल हमें दे दिया है तो 7/2 हो गया. तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन मीन्स एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ओ ए सी बी माइनस एरिया ऑफ बी ओ डी, तो 77/8 माइनस 77/2, तो उसका आंसर आ जाएगा 49/8 सेंटीमीटर स्क्वेयर. थस द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ओ ए सी बी इज 77/8 एंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन 49/8 सेंटीमीटर स्क्वेयर. ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे सम है, मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट सम्स है वो करवा दिए, बाकी सब आपको अपनी तरह से करने हैं. ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली.